जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोड़ेवाला बस्ती भट्टी बिरादरी के पास हल्का 157 में, जहाँ पर अभी कुछ ही देर में मखदूम जैन कुरैशी साहब पहुँचने वाले हैं और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब भी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ भट्टी बिरादरी ने एक बहुत बड़े जलसे का इनकाद किया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो इलाका जात के जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं वो मौजूद हैं और बड़े पुरजोश नारेबाजी की जा रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूं कि ये हलका NA 157 वो हलका है जिसको मखदूम जैन कुरैशी साहब ने छोड़ा था और उन्होंने 17 जुलाई को 217 PP से जो है ना MPA का इलेक्शन लड़कर वहाँ से पूरी PDM को उन्होंने मात दी, पूरी PDM को हरा कर उन्होंने वहाँ से विन किया। तो यहाँ से इस वक्त इनकी हमशीरा मेहरबानो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो उस कंपेन के सिलसिले में भट्टी बिरादरी ने भरपूर साथ की यकीन दहानी दिलाई है और भट्टी बिरादरी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे जलसे का इनकाद किया है, जिसमें खसूसी काविश जो है मुकम्मल इस जलसे की और इस सारे लोगों को यहाँ कट करने की जो खसूसी काविश है उसमें मौजूद हैं हाजी मोहम्मद सदीक भट्टी साहब, प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ भट्टी साहब, मज़हर हुसैन भट्टी साहब, मियाँ सज्जाद भट्टी, मियाँ मोहम्मद असलम भट्टी साहब, मियाँ मोहम्मद खान कैसर भट्टी साहब, नूर अकबर भट्टी साहब, बाबा रफीक भट्टी, सफदर हुसैन भट्टी, फहद सदीक भट्टी, अजहर भट्टी, हाजी हसन भट्टी, हाजी मोहसिन भट्टी, मियाँ इरफान भट्टी, तालिब हुसैन भट्टी। जी नाज़रीन, इस वक्त यहाँ जैन कुरैशी साहब मौजूद हैं और पहुँच चुके हैं और उनका भरपूर पुरजोश इस्तकबाल किया गया तमाम बिरादरी की तरफ से, तमाम जो यहाँ लोग आए हुए थे उनकी तरफ से भरपूर उनका इस्तकबाल किया गया और भरपूर नारेबाजी की जा रही है। जी नाज़रीन, और भट्टी बिरादरी की तरफ से एक नारा बार बार सुनने में आ रहा है कि तख्ती से लेकर बल्ले तक भट्टी बिरादरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ थी। जी मैं आपको फिर बताता चलूँ कि भट्टी बिरादरी की तरफ से एक नारा बार बार यहाँ लगाया जा रहा है, तख्ती से लेकर बल्ले तक भट्टी बिरादरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है, और भरपूर अंदाज से पुरजोश तरीके से वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हल्का 157 से अपनी बहन मेहरबानों को यहाँ से विन करवाएंगे। अरे हम कोई गुलाम हैं, जो आप कहें वो कर लें। अरे हम कोई गुलाम हैं, जो आप कहें वो कर लें। साहब जनाब सदीक भट्टी साहब, जनाब प्रोफेसर हनीफ भट्टी साहब, तमाम भट्टी बिरादरी, दीगर बिरादरियाँ जो यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आपके इल्म में है कि 11 तारीख को इस हलके में एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये ज़िमनी इलेक्शन क्यों हो रहा है और इस ज़िमनी इलेक्शन और जो आज से पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए उनमें मुनफरिद क्या है, अगर 2 मिनट आपकी सभा खराशी कर पाऊँ तो उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। अरे हम कोई गुलाम हैं, जो आप कहें वो कर लें।